अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइज, आप लोग ने कल के ब्लॉग में देखा कि मैंने अपने घर में काम कर दिया था और अभी हम आए हैं हमारे साजिद भाई के घर में काम करने के लिए। देखो, साजिद भाई के पट्टे लोग क्या बोलते हैं, चलो आ जाओ। हिंदी बोलते हैं मालूम है मुझे। चलो भाई, देखिए हमारे साजिद भाई का घर है। तो यहाँ पर अंदर हम आए हैं आज कलर मारने के लिए। तो कुछ इस तरीके से घर है, छत तो पूरी काली कर दी। तुम लोग क्या छत पर खेल रहे थे क्या, काली कर दी जो इतनी माशाल्लाह। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ छत से काम स्टार्ट करने के लिए। ये देखो सब माल वगैरह यहाँ पर रेडी कर दिए थे हम लोग ने सुबह सुबह। और ये देखो कुछ इस तरीके से छत है भाई, बहुत काली है यार, ये बारिश के पानी की वजह से काली हो जाती है। मेरा छत भी कुछ इस वजह से ही काला हो गया था, तो इसलिए हम लोग ने सिर्फ सफाई कर दी है। तो हाँ बेटा, सब हटा लो, एक नंबर, बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत क्या बोलते अपना साथ दे रहा है बहुत सामान वगैरह हटाने के लिए। चलो बेटा तुम भी लोगों काम पे जल्दी जल्दी। अरे वाह, एक नंबर। देखिए गाइस, पशन वाले के घर में यही काम करने मजा आती है कि बच्चे लोग रहते ना, तो इन लोग से सबसे ज्यादा काम करवाते हैं अपन। तो ये बचकाने को दिया मैंने मोबाइल पकड़ने के लिए ना, इतना सी था मेरे सामने, अभी इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। पहले इसको अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद में छत मारेंगे, नहीं तो फिर काला काला हो जाएगा। देखो अपने ना सफाई करके हो गया खोट माले के जिन्ना। तो अभी मैंने यहाँ पर देखो छत मारने ले लिया हूँ। बन गया भाई ग्रीन, पिस्ता ग्रीन बन गया। आ जाओ ले लो गिलास भर के। तो आप लोगों ने देख लिया कि दीवार का कौन सा माल लगने वाला है। इससे पहले देखिए ये पीला कलर लगा हुआ था, अभी जो अब्बा ने माल बनाया है वो कलर लगेगा। बिफोर ये है, आफ्टर पूरा मारने के बाद दिखाते हैं। और मेरा छत का देखो उतना माल हो गया, बस इतना बाकी है। तो गैस मैं आ गया था खाना खाने के लिए, और वो जो आई फ्लू है ना आँखों में इन्फेक्शन, ये देखो अरहान बाबू के दोनों आँखों में हो गया है। इधर देखो बेटा, इधर देखो देख ही रहे थे। देखो अरहान बाबू के दोनों आँखों में हो गया है, और सोलिहा के भी दोनों आँखों में हो गए हैं। बहुत चल रहा है, अल्लाह दवा लेकर आ, दवा डाल दो ना बेटा, दवा डालो आँखों में। ठीक है, इसको भी डालो दो दो बूंद, तुम भी डालो, इसको एक ही बूंद डालना, तुम दो बूंद डालना। ठीक है, चलो खाना निकालो, मैं आया हूँ अभी जस्ट खाना खाने के लिए। फातिमा क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे को, नहीं आएंगे वीडियो में, नहीं आएंगे तुम? हाँ चलो सलाम करो सबको, सलाम कर दो। अच्छा भाई, अल्लाह अबू कैसे लगा ये कलर, कैसे लग गया ये, निकालो। नहीं निकल रहा है, पप्पी लेके निकालो, पप्पी लेके निकाल दो निकल जाएगा। दे दो, हाँ निकल गया। चलो खाना खाएंगे ना अपन, तुम खाए नहीं खाए, खाना खाने के नाम से इसका ना हो गया हमारा खाना ना खा के। और अभी गुलाम भाई ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, बोले भाई चलो काम स्टार्ट करने से पहले अपन चाय पीकर आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नागोरी चाय पीने। क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। आज ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों का वेलकम है ब्लॉग में। तो गौर से देखिए इस पेंटर को, चेहरे पे देखो कलर खेलते कि कुश्ती लड़ने जाते कि हम कलर मारते कुश्ती लड़ते। अरे वो टपक गया बूंद यार, वो क्या बोलते अपना खंबे में मार रहा था ना, खंबा बोल रहा हूँ तो सब बूंद बन के गिर गया क्योंकि छत। भाई तो हमारे गुलाम भाई मिल गए हैं। भाई कहाँ थे तुम, आज अब्बा ने साथ में नहीं रखे यार, गलत किए हैं। हाँ सबको अलग अलग कर दिया। मेरे साथ में राजा भाई को डाल दिया, गुलाम भाई अकेले काम कर रहे हैं, बड़ा और दोनों वसीम भाई साथ में काम कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, अभी पी लेंगे तो फिर शाम में फुर्सत रहेगा। हमारा ना चाय पी के हो गया 10 मिनट, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हिम्मत अंकलना गाँव गए तो उनके क्या बोलते अपना दुकान के पास ही आके बैठे। तो गाइज हम लोग आ गए थे साइड पे, और यहाँ पर देखिए हम लोग ने ना काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर देखिए हमारे बाबू, ये शाहिना है, और ये आयत। वालेकुम अस्सलाम, अभी आया था ना हमको नाथ पढ़ के सुनाई, आयत अच्छी वाली नाथ पढ़ के सुनो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पढ़ो।
हमने आँखों से देखा नहीं है बगैर, हमने आँखों से देखा नहीं है बगैर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह। जिसने लाकड़ू कला में इलाही दिया, जिसने लाकड़ू कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद नबी ने मैं मौजूद। माशाल्लाह, क्या बात। तो माशाल्लाह गाइस, दोनों बच्चों ने बहुत प्यारी नात पढ़े हैं। तो गाइस मेरी ये देखो ग्रिल मार के हो गई है और अभी हो गया है हमारे चाय पीने का टाइम, तो हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। बिस्मिल्लाह। चाय पियेंगे, आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। उनको क्या बोलते अब्बा, और क्या बोलते अब्बा, खैरियत? अरे माशाल्लाह, तुम्हारी टोपी तो एक नंबर, एक नंबर। कहाँ से ली? कहाँ से? एक टोपी मुझे मिलती है, बहुत टोपी मिलती है। कहाँ से ली? बता तो सही। हाँ तो भाई, अपन ने चाय भी पी लिए हैं और ये देखिए बाहर की जो ये ग्रिल लगी हुई है ना, अभी इसको मैं ब्लैक मार रहा हूँ। अंदर का पूरा काम मेरा हो गया और अब्बा यहाँ पर देखें दरवाज़ा साफ कर रहे हैं, बहुत गंदगी थी इसमें। और यहाँ पर देखो बच्चे लोग, ए तुम झंडा लेके कहाँ जा रहे हो? सब मजे में। और देखो हंसते हैं, क्या कर रहे तुम? अरे इसकी बंदूक देखो कितनी छोटी है, देखो कितनी मस्त छोटी छोटी बंदूक। हंसन अपने ऐसे लेके चल रहे हैं, हंसन गोटी खेल रहे हो तुम? इधर तो देखो हसनैन, इधर तो देखो, इधर तो देखो, इधर तो देखो। अरे वाह, एकदम सेम सेम जुड़ कैसे हो? गाइस काम फाइनल होने के बाद ना, जो हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है ना, वो ये चीज़ होती है, देखो ये जो कलर गिरता है ना, तो इसको पूरा सफाई करना पड़ता है। ये तो अच्छी चिकनी टाइल्स है, तो इसको फटाफट निकल जाएगा। अगर रफ वगैरह टाइल्स होती है ना, तो भाई हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है निकालते। मैंने दीवार नहीं मारा गाइस, मेरा काम ऐसा नहीं है, हमारे दूसरे कारीगर ने मारे हैं, तो पूरा फैला दिए हैं। तो चलो इसको अपन अभी निकाल लेते हैं, ये पत्रे से निकाल लेते हैं। कभी भी ना ये पत्रे का ऐसा कोना पकड़ने का और साइड से ऐसा घसने का, देखो निकल जाएगा, मस्त निकलता है एकदम। तो भाई घर में बैठे बैठे कभी कभार कलर वलर किए तो कलर निकालने भी तो आना चाहिए ना। तो फाइनली दोस्तों हमारा काम पूरा हो गया है, आप लोग अभी पूरा फाइनल हाथ देख सकते हैं कि पूरे घर में हम लोग ने ग्रीन कलर मार दिए हैं। माशाल्लाह एक नंबर लग रहा है। और कैसा लग रहा है सुबह भाई, काम अच्छा है ना? एक नंबर पक्का। हाँ चलो ठीक है। और तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, चलो थैंक यू। हाँ हम लोग ना काम की छुट्टी हो गई है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आमिर भाई जा रहे हैं गाँव, मैं और अब्बा जा रहे हैं उनको रवानगी के आदाब सुनाने के लिए। हाँ अब्बा, मैं और अब्बा पहुँच चुके हैं आमिर भाई के घर के जस्ट नीचे। चलिए ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं भाई कितने सामान पैक किए हैं लोग ने, क्योंकि भाई 20-25 दिन के लिए जा रहे हैं तो सामान तो ज़्यादा है ही ना गाइस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हम लोग आ गए हैं आमिर भाई के घर पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, देखो हम लोग जा रहे हैं लास्ट बराबर जब भाभी जा रहे थे ना, मैं वीडियो बनाया। तो गाइस आज मैं भी बन गया ब्लॉगर और मैं भी सब वीडियो बनाऊंगा। चलो यहाँ पर देखिए कितना, अरे वहाँ मेरी जाने वाले एक दो तीन, तीन बड़े लोग, बच्चे लोग को तो सामान नहीं देंगे क्योंकि भाई बच्चे लोग को सामान देना अच्छा लगता है। तीन बड़े लोग हैं, एक दो तीन चार, वो सब नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मेरा बैग, पांच। और ये मेरा बैग कुछ नहीं हुआ, पांच पांच वहाँ मेरी। और वो टीवी बोल रहे थे, टीवी ना उधर से मिलेगा। अरे एक नंबर भाई, सबसे अच्छी चीज कैंसिल करा दी, टीवी भी बोल रहे थे लेके जाने के लिए, पता है? कैंसिल हो गया टीवी का। अरे कैसे मिले बाबू, माशाल्लाह तुम जा ले गाँव। भाई गाइस आप लोग ना इसको देख लो, अच्छे से देख लो, 20-25 दिन के बाद जब आएंगे ना तब देखना इसको, फुल काली कलोटी और लैंग्वेज भी इसकी चेंज हो जाएगी। हाँ कैसे बात करेगी? कुछ कर लो बटली। और ये देखो, अरे मेरी यही, इसको 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 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे ही है। और क्या बोलते हैं जहरा पापा, खैरियत? वालेकुम सलाम, समझे ना? हाँ। जा रहे अपने गांव तुम? हाँ। क्या बात है यार, कितने दिन के बाद जा रहे? एक
अच्छा 5-6 दिन इसका मालूम नहीं है क्या बोले? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते तुम लोग गाँव से आए, एक हफ्ते में जा रहे हो वापस? अरे माँ मेरी सही है यार लोग। हाँ तो तुम्हारा क्या हुआ, टिकट कंफर्म हुआ? कंफर्म अभी 2 घंटा कितने दिन में पहुँचेंगे भाई तुम फिर? हम लोग उठाएंगे, तुम टेंशन मत लो, इसलिए तो मैं आया हूँ। चलो अभी निकलेंगे, बैठ जाएंगे, सब बताएंगे। चलो अभी है चलो भाई, रवानगी के दिन आ चुके हैं अभी। मेरा बेटा जग गया ना, सब लोग उतर रहे हैं। आराम आराम से उतर, हो रहा चल, नीचे उतरेगा ना, पकड़ के उतर साइड से। हाँ हाँ आराम आराम से उतरो, इधर से उतर, पकड़ बेटा पकड़, आराम आराम से। अमरीन ये साइड में पकड़ ले, लोग ना पकड़ ले। नहीं अभी नींद से उठाना, वो इसी वजह से। अमरीन भाई के साथ उतर बेटा, पकड़ बेटा। तुम जूता पहन लिए ना, चल रहे इधर, जूता पहनिए, उसके पैर में जूता दिख ही नहीं रहे। चलो उठाओ लेके चलो, उधर सब सामान ले लिए ना। चलो भाई सब पोटले पाटले ले लिए, चलते। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब लोग? आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? जा रहे हो गए मैडम रेडी? हां चलो निकलते हैं। मुझे तो कोई दिया भी नहीं कुछ पकड़ने के लिए। तुम क्या पकड़ेंगे तुम? मैं वो पकड़। चलो देखो सामान ही बस, आप पुण्य मास साइकिल पे बांध दिए। आमिर भाई वहाँ पे चाबी दे रहे। तो गाइस साइकिल पे सामान डाल के हम लोग जा रहे हैं अभी। ए थोड़ा साइकिल, तो यहाँ देखो गाइस हम लोग जा रहे हैं साइकिल पर बांध के पूरा अपना पोट। तो फाइनली हम लोग को रिक्शा मिल गई है। हमारे राशिद भाई हैं रिक्शे वाले और हमारे जावेद मामू यहाँ पर खड़े हुए हैं, रिक्शा दिला दिए हैं हम लोग को। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आसान पर जाओ भाई, माशाल्लाह हमारे जावेद मामू मिल गए तो उन्होंने रिक्शा दिला दिए हैं। और रिक्शे वाले भी मेरे पहचान के थे, रशीद भाई। पहले जहाँ पे मैं सिलाई काम करता था ना, वहाँ पे क्या बोलते अपना कपड़े वगैरह का माल पहुँचाते थे, तो अभी रिक्शे में आ गए माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, लोग चले गए हैं और मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। तो गाइस मैं आ गया था घर पे और ये देखिए मेरे अरहान बाबू को कहाँ गले हुई थी आग, छूजी छूजिए, ये देखो आग छूजी छूजी। हाँ बेटा बाबा दोनों आग सूजी। और फातिमा कैसे मेरे बच्चे, सलाम कर दो अबू को, हाथ मिला दो बेटा, अबू को हाथ चूम लो अच्छे से, प्यारे अबू है ना। हाँ अबू है ना आपके, हाथ चूम लो अबू का, हाथ चूम लो अदब से एकदम। हाँ दूध में भर के दे दूँगा, पहले अब्बू को सलाम करके अब्बू का हाथ चूम लो। मेरा प्यारा बेटा ना बच्चू, जल्दी 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 जल्दी, मेरा अच्छा बच्चा है ना, एकदम प्यारा बच्चा, एकदम प्यारा बच्चा, एकदम प्यारा बच्चा। अरे माशाल्लाह नखरा करता है मेरा बच्चा लेकिन बराबर बात सुनता है, मेरा गुड्डू, मेरा प्यारा प्यारा बाबू, मेरा छोना छोना बाबू। और गाइस मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। कल ना मैं इंस्टाग्राम पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो एक ना वीडियो सामने आई, दिल्ली की है एक ही वीडियो थी। एक पुलिस वाला ना नमाजियों को ना लात मारा नमाज की हालत में, यार वो देख के इतनी जान जली मेरी, मैं क्या ही बोलूँ साहब, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। आप लोगों तक भी वो वीडियो पहुँची रहेगी। तो जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड तो कर दिया है लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए गाइस, क्योंकि यही क्या बोलते हैं अपना, इतना बड़ा उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई मुसलमान को नमाज़ पढ़ते हुए लात से मारना ये कोई छोटी मोटी बात बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी को इतनी छोटी सी बात पे एक महीने के लिए अभी तक उनको जेल में रखें, ऐसा किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे हिंदू है। जुल्म करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है जुल्म करना। तो बस यही बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। तो बहुत थक गया गाइस मैं, तो चलिए आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।